बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बंद गोभी और प्याज का बहुत ही लच्छेदार और बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ा लेके आऊँ। मैं आपको बताऊंगा, अक्सर लोगों के पकौड़े लड्डू जैसे क्यों हो जाते हैं, नरम क्यों हो जाते हैं, क्यों वो क्रिस्पी नहीं होते, क्यों वो इस तरह से लच्छेदार नहीं होते, कौन सी गलतियाँ वो करते हैं, कौन सी स्पेशल बातें हैं जो उनको पता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ फ्राइंग के दौरान कौन सी अहम बातें हैं जो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पता हो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेट भर कर मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है, जो दिखने में ज़्यादा है लेकिन जब इसको बनाएंगे तो ये थोड़ी सी हो जाएगी। ठीक है, खास बात यह कि इसकी कटिंग आपने बारीक और लंबी लंबी करनी है इसी तरह से। ठीक है, इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगली चीज़ इसके अंदर जाएगा ये प्याज। प्याज भी देख लें, बिल्कुल बारीक और लंबा लंबा, बड़े साइज़ का आपने प्याज लेना है और इस तरह से इसकी जो कलियाँ हैं उसको आपने काटना है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, पकाई जल्दी हो जाएगी, क्रिस्पी ज़्यादा बन जाएगा। तो ये वो बात है जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मतलब कि ऐसी ही आपको कटिंग चाहिए। ठीक हो गया। चलें जी, अब इनकी कलियों को हम सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से मसलेंगे तो बहुत इजीली ये हो जाएंगी। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। एंड तक आपने देखा है बेसन ऐड करना सबसे अहम चीज़ है, कैसे करना है। ये है हरी मिर्चें, 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत धनिया है हमारे पास जिसको हमने अच्छे से धोकर यूज़ किया है। चलें जी, यहाँ पे है हमारे पास बहुत ही स्पेशल चीज़ पकौड़ों के लिए, अनारदाना। ठीक हो गया, 1 टेबल स्पून जाएगा। कसूरी मेथी इसमें हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे खुशबू के लिए। और ये है नमक, 1.5 टीस्पून नमक काफ़ी होगा इतनी सब्जियों के लिए। और जो लाल मिर्च है ये 1 टेबल स्पून है। पकौड़े ज़रा कड़ाड़े ही अच्छे लगते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। ज़ीरा इसमें साबुत जाता है, आपको पता होगा मसलते क्यों है, ताकि ये थोड़ा सा भूर जाए, इसकी खुशबू फ्लेवर इस तरह से बढ़ जाता है। ठीक हो गया। अगली चीज़, 2 टेबलस्पून हमारे पास है खुश धनिया पाउडर, ये भी साबुत है। इसको मसलते इसलिए ताकि इसके जो बॉल्स हैं वो हाफ से ज़्यादा खुल जाते हैं। ठीक है, इससे इसकी खुशबू फ्लेवर बढ़ जाता है और वैसे भी ये खूबसूरत लगते हैं। ठीक हो गया, ये जाएंगे। अब आपने इसमें बेसन ऐड नहीं करना, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ही बेसन ऐड करेंगे। अब बेसन ऐड करने का सीन ध्यान से सुने। पहली तो बात, अच्छे से आपने इसको छान के फिर ही यूज़ करना है। दूसरी बात, इसको आपने ग्रेजुअली ऐड करना है। ठीक है, 1 कप है, 1/2 कप हम पहले ऐड करेंगे और उसके बाद कम लगे तो बाकी ऐड करेंगे। ठीक है, अब इतना ही इसके अंदर जाएगा। अगर आपने इससे ज़्यादा इसमें बेसन ऐड कर दिया तो लड्डू जैसे गोल गोल नरम नरम से पकौड़े बनेंगे, जो बिल्कुल भी आज की हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून पानी आपने ऐड करना है अच्छे से मिक्स कर देने के बाद, क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती हैं और जो बेसन होता है वो पानी पी लेता है, तो समझ नहीं आती कितना पानी ऐड करना है, इसलिए पानी एंड पे ऐड करते हैं। अब आपको ये देख के लगेगा कि इसका पकौड़ा नहीं बन सकता, ये खुल जाएंगी। तो उसका तरीका ये है कि आपने इस तरह से पकड़ के इसको मुट्ठी में दबाना है और फिर आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिक्र ना करिए, ये लड्डू नहीं बनेगा, ये ऐसी क्रिस्पी रहेगा। अहम बात ये कि आपने जो कुकिंग ऑयल है उसको हाई फ्लेम के ऊपर गर्म करना है। ठीक हो गया, और बेसन ही बस ऐड करना। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने इसको ऐड करते जाना है, फ्लेम हाई होना चाहिए। लो हुआ तो ये खुल सकते हैं, नरम हो सकते हैं, क्रिस्पी नहीं होंगे। लेकिन जब आप इसको हाई फ्लेम में ऐड कर देंगे तो 1 मिनट के बाद आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है। ठीक है, और जब आपको लगे कि ये स्ट्रांग हो चुके हैं, ये मजबूत हो चुके हैं, तब आपने कलर आने के बाद इनको पलटना है। उससे पहले इसको नहीं छेड़ना, हाथ आपके ड्राई होने चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, वरना पानी अगर इसमें ऑयल में गिरा तो पटाखा एक दफ़ा हो जाता है। ठीक हो गया, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, ये है मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जदी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है वो शानदार क्रिस्पी पकौड़ा, कैबेज पकौड़ा, अनियन पकौड़ा, लच्छेदार पकौड़ा और बहुत ही स्पाइसी पकौड़ा। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा नया सिखाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा खूबसूरत सा कमजोर कीजिए, और अब दीजिए जानसर की इजाजत अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। बिरयानी रेसिपी के लिए, पुलाव रेसिपी के लिए, यमी टेस्टी रेसिपीज के लिए, निहारी रेसिपी के लिए, बर्गर रेसिपी के लिए, चिकन रेसिपीज के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए।